अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर डूइंग अवर यूनिट नंबर 3, हेल्थ इज़ रियल वेल्थ। उसकी हम वोकैबुलरी फोकस आज देख लेते हैं। जी, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। हाइड्रेट, टू मेक समथिंग एब्जॉर्ब वाटर। हाइड्रेट का मतलब होता है पानी जज्ब करना, पानी अंदर, हमारे अंदर हाइड्रेशन की पानी ज़्यादा पीती है। डिहाइड्रेशन कब होती है? जब पानी कम पी रहे होते हैं। हाइड्रेट, जब हम पानी अच्छी तरह से मिकदार में ले रहे होते हैं, कोई चीज़ पानी अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर ले तो वो कहलाएगी हाइड्रेट। ट्रेजर, समथिंग वैल्यूएबल, उर्दू में कहेंगे खजाना। प्लेंटी, समथिंग एज मच एज यू नीड। प्लेंटी मतलब बहुत मिकदार में, खास पूरी मिकदार जितनी आपको चाहिए, मतलब जी भर के जैसे हम पी लें। और स्ट्रेंथन, टू मेक समथिंग और समबडी स्ट्रोंगर। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन मैंने मजबूत बनाना या मजबूत करना। न्यूट्रिशियस, कंटेनिंग मैनी ऑफ द सब्सटेंसेज विच हेल्प द बॉडी टू ग्रो। ऐसे तमाम सब्सटेंसेज या चीज़ें जो हमारी बॉडी को हेल्प करने, मदद कर दें बढ़ने में, वो न्यूट्रिशियस चीज़ें कहलाती हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट के अंदर जो तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिशियस होने चाहिए, ताकि हमारी खुराक जो है वो हमारी बॉडी को बढ़ने में मदद दें। नेक्स्ट हमारे पास है सिमिली। सिमिली, रीड द गिवन सिमिलीज विद देयर मीनिंग्स एंड सेंटेंसेज। आप सिमिलीज क्या होते हैं? सिमिली हम कहते हैं मिसाल देना, जैसे कि किसी के साथ मिसाल देना कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मिसाल के तौर पे, इसकी तरह तेज़ या उसकी तरह सुस्त, ये हम इनको सिमिली कहते हैं। वी कैन इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय लर्निंग न्यू वर्ड्स। हम अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं जब हम नए वर्ड्स या नए अल्फाज सीखते हैं। द यूज़ ऑफ सिमिलीज कैन हेल्प इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन। अब सिमिली के इस्तेमाल से हमारी जो कम्युनिकेशन या बातचीत होती है वो मतलब और मज़ीद बेहतर हो जाती है। असिमिली इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट कम्पेयर्स वन थिंग विद एन अदर। असिमिली एक ऐसा वर्ड, लफ्ज़, एक फ्रेज होती है या ज़रबुल मिसल हम कह सकते हैं, कि जो क्या करती है, दूसरी चीज़, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करती है या उसकी मिसाल दी जाती है कि तुम उसकी तरह हो, तुम उसकी तरह हो। सिमिली इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट कम्पेयर्स वन थिंग विद एन अदर। अब सिमिली की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सिमिली इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट कम्पेयर्स वन थिंग विद एन अदर। ठीक हो गया, अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रीड द गिवन सिमिलीज विद देयर मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। जुमलों और मायने के साथ आप सिमिलीज को पढ़िए ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए। एज क्लियर एज क्रिस्टल, विच मीन्स वेरी क्लियर। मिसाल के तौर पे दिया गया, इतना साफ जितना के क्रिस्टल होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा साफ। द स्काई इज़ एज क्लियर एज क्रिस्टल। तो सेंटेंस कैसे हो गया? उसमें हमने एज इट सिमिली को ही उठा के रख दिया। एज कूल एज कुकम्बर मीन कूल, ठंडा। शी रिमेन एज कूल एज कुकम्बर एज इन फ्रंट एज इफ नथिंग हैड हैपन्ड। मतलब इतना वो ठू कूल रहती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नेक्स्ट है स्विम लाइक अ फिश। अब लाइक यूज़ हो, एज यूज़ हो या देन भी यूज़ हो सकता है। ठीक हो गया, ये सारे सिमिलीज कहलाते हैं। गुड स्विमर, फिश कैसे तैरती है पानी के अंदर, तो जो उसकी तरह तैरेगा वो एक गुड स्विमर होगा। सोहेल इज़ लाइक टू विन द रेस, likely to win the race because he swims like a fish. सुहेल वाकई जीत जाएगा रेस को, क्योंकि वो बिल्कुल मछली की तरह तैरता है। की तरह या as या like ये हो जाएंगे, तो इसका मतलब है वो सारे similes कहलाते हैं। as tall as a giraffe, very tall. my brother is as tall as a giraffe. मतलब कि उसको कहने मेरा my brother is very tall करने की बजाय हम उसको simile से relate करते हैं, इतना लंबा जैसे कि कोई जिराफ हो। As white as snow, pure white. The old man's hair is as white as snow. ठीक हो गया, ओल्ड मैन के, ओल्ड आदमियों के जो बाल इतने सफ़ेद जितने के, और आदमी के बाल जितने सफ़ेद जितने के बर्फ़ होती है। ये स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 23 वी हैव क्वेश्चन फॉर मेकिंग सेंटेंसेज फ्रॉम सिमिलीज। मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन सिमिलीज इन योर नोटबुक। As brave as a lion, इतना बहादुर जैसे कि शेर। Brave like a lion, अच्छा जी। Like cats and dogs, कुत्तों और बिल्लियों की तरह। As sour as vinegar, इतना खट्टा जैसे कि सिरका। As hungry as a bear, इतना भूखा जैसे कि भालू। As black as coal, as black as coal, इतना काला जैसे कि कोयला। ये आपको पांच जो हैं सिमिलीज प्रोवाइड किए गए, इनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, एंड होपफुली यू कैन मेक by reading the examples given in your book, and you have to done it your as your homework on your neat notebooks. okay, मैंने आपको उर्दू में मतलब बता दिए, आपको मैं बनाने में आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, okay students, अल्लाह हाफिज़।